स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्टूडेंट, श्रुति लिमिटेड रिजोल्व टू बाय बैक 3 lakhs ऑफ इट इक्विटी, 3 lakhs ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 पर शेयर्स. यहां पर इनको कितना शेयर्स बाय बैक करना है स्टूडेंट, 3 lakhs. ₹10 से शेयर्स है, ₹12 से बाय बैक मीन्स ₹2 प्रीमियम. फॉर द पर्पज इट इश्यू 10,000 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार. इसके लिए ये क्या करने जा रहे हैं, तो 10,000 शेयर्स इश्यू करने जा रहे हैं ₹100 से एट पार. द टोटल सम बीइंग पेबल विथ एप्लीकेशन, पूरा का पूरा पैसा किसके साथ उनको मिल गया, एप्लीकेशन के साथ. द कंपनी यूज ₹9 lakh फॉर इट्स बैलेंस इन अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. कंपनी ने 9 lakhs रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया. अब आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि यहां पर इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका डिविजिबल काउंट होता है. अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में दे हैव इनफ अमाउंट टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग बायबैक, बायबैक करने के लिए पास द जर्नल. आपको क्या ड्रॉ करना है जर्नल देखते हैं स्टूडेंट. ये भी एक इजी क्वेश्चन है. बायबैक इनको कितना करना था स्टूडेंट, तो 3 lakhs इक्विटी शेयर्स इनको बायबैक करना है. 3 lakhs 10 से तो ए हो गया 30 lakhs. 3 lakhs के ऊपर ₹2 प्रीमियम है तो यह है 6 lakhs. फॉर द पर्पज इट इश्यू 10,000 13% प्रेफरेंस शेयर्स. कितना 100 से. तो एक तरह से हम लोग बोले तो 30 lakhs में से 10 lakhs रुपीज का अरेंजमेंट हो गया. हम लोगों को शॉर्टेज है 20 lakhs रुपीज का. इसने बताया कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में से 9 lakhs यूज करना है. प्रीमियम का 9 lakhs रुपीज यूज करना है. शॉर्टेज होगा 11 का. 11 जनरल रिजर्व से आपको क्या करना है, लेना है. जनरल रिजर्व का अमाउंट नहीं दिया, जनरल रिजर्व में उसने बोला कि वी हैव इनफ अमाउंट. तो ये 30 lakhs रुपीज का अरेंजमेंट हो गया. 6 lakhs रुपीज प्रीमियम का देना है. प्रीमियम में अब नहीं है, प्रीमियम में जो था यहां यूज हो गया. तो प्रीमियम के लिए पैसे कहां से लेंगे, 6 lakhs की जरूरत है. जनरल रिजर्व में उसने बताया कि मोर देन इनफ अमाउंट इसके पास है, तो हम लोग 6 lakhs देंगे जनरल रिजर्व. ओके स्टूडेंट, थोड़ा भी आप ध्यान दोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो इजी चैप्टर है, कोई इश्यू नहीं है. छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर. अगर जर्नल एंट्री की बात करूं तो मैंने सीक्वेंस आपको समझा दिया है. सबसे पहले देखने का सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन फ्रेश इश्यू, देन बायबैक ड्यू, मीटिंग द प्रीमियम, पेमेंट, ट्रांसफर, दैट्स इट. अब यहां पर स्टूडेंट फ्रेश इश्यू है, बट फ्रेश इश्यू के अंदर में सर इसने लिखा है ना कि इसने पैसा पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ दिया. तो आप एक एंट्री भी कर सकते हो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, या फिर दो एंट्री कर सकते हो. एक आप कर सकते हो एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो इसका एंट्री होगा स्टूडेंट कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 13%
टू 13% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन मनी अकाउंट 10 लाख। जो भी हमारे पास पैसा आता है पहले हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? एज एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर क्योंकि जब पब्लिक एप्लीकेशन का पैसा दे रही होती है उस समय हम कंफर्म नहीं होते हैं कि हु इन फ्यूचर हु विल बिकम द शेयर होल्डर, कौन हमारा शेयर होल्डर बनेगा, ये हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं, नहीं रहते हैं उस समय। अब एप्लीकेशन मनी क्रेडिट है ऐसे, यहां से इसको निकालेंगे 13% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन मनी क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन मनी डेबिट कैंसिल हो जाएगा, एक ही एंट्री बचेगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, जो नॉर्मली स्टूडेंट हम लोग इसके पहले करते थे। ये हो गया फ्रेश इशू। अब बाय बैक ड्यू, आज हम बाय बैक करने जा रहे हैं। जब पब्लिक ने हमको पैसा दिया था हम लोगों ने पैसा कहां लिखा था उसको? क्रेडिट साइड में। आज बाय बैक कर रहे हैं तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। इक्विटी शेयर्स बाय बैक अकाउंट डेबिट 30 लाख। प्रीमियम ऑन बाय बैक 6 lakhs to equity shares holder, equity shares capital transfer to equity shares holder. इक्विटी शेयर होल्डर, नरेशन में लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? इक्विटी शेयर होल्डर में। मीटिंग द प्रीमियम, ये प्रीमियम का पैसा कहां से एडजस्ट करेंगे? तो प्रीमियम का पैसा हम लोग ने कहां से एडजस्ट किया? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, वहां से पैसे लेना है तो डेबिट, ये आपका लॉस है डेबिट, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। कितना? 6 लाख। ये लॉस हम लोगों ने इलिमिनेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। पेमेंट किसको पेमेंट करना है हम लोगों को? इक्विटी शेयर्स होल्डर को। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स क्रेडिट है, पेमेंट करेंगे डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर,
इंटरेस्ट वर्ड हमेशा की तरह ट्रांसफर टू सीआरआर। मैंने बताया ना कि जो पैसा आप डिविजिबल से यूज करोगे वो आपके ट्रांसफर होगा सीआरआर में। सिक्योरिटी प्रीमियम से 9 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआर बीइंग सीआरआर क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व। सीआरआर कहां से क्रिएट किया? तो सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करके। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड स्टूडेंट, सभी लोगों को समझा एंट्री। तो इसमें से कुछ भी हम लोगों ने अलग नहीं किया, यहां पर सिर्फ मैंने ये किया कि एक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री किया और एक ट्रांसफर का। आप नहीं करना चाहोगे तो मैंने बताया कि एप्लीकेशन मनी क्रेडिट और एप्लीकेशन मनी डेबिट कैंसल, एक ही एंट्री बचेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल फ्रेश इशू की एंट्री। बाय बैक ड्यू, हम लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया था, क्रेडिट बैलेंस से आज देने का सोच रहे हैं डेबिट। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल बाय बैक इक्विटी शेयर्स बाय बैक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक इक्विटी शेयर होल्डर मीटिंग द प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा कहां से एडजस्ट किया? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, वहां से एडजस्ट करना है तो डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स टू कैश एंड बैंक एंड एज यूजुअल स्टूड हमेशा की तरह ट्रांसफर टू सीआर। जो भी पैसा हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट से लेंगे वो ट्रांसफर करें इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल इधर कैपिटल देखो छोड़ जाता है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बैलेंस। थैंक यू स्टूडेंट।